दोस्तों एंड वेलकम टू क्रिक टू अवर शो। आज के इस शो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि पीसीबी ने पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया है कि कब कौन कौन से ओडीआई मैचेस होंगे, कब होंगे, किस टाइम पे होंगे। और सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ जो आ रही है वो ये है कि पीसीबी ने ये भी अनाउंस किया है कि जो वेन्यूज़ जो थे, जो ओडीआई सीरीज़ का जो वेन्यू था, एक ही वेन्यू डिसाइड हुआ हुआ था, लेकिन अब वो जो वेन्यू है वो चेंज करके दूसरा वेन्यू रख दिया गया है। वो ही मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को शेड्यूल बता देता हूँ कि कब किस दिन को खेला जाएगा ओडीआई सीरीज़। सबसे पहला ओडीआई अगर हम बात करें तो 8 जून को खेला जाएगा, दूसरा ओडीआई 10 जून को खेला जाएगा और तीसरा ओडीआई 12 जून को खेला जाएगा। मैं आप लोगों को टाइमिंग्स भी बता देता हूँ। 10 AM को तीनों ODIs स्टार्ट होंगे। और फिर जो पहले वेन्यू रखा गया था वो रावलपिंडी रखा गया था, लेकिन अब रावलपिंडी से चेंज कर अब मुल्तान रख दिया गया है वेन्यू, क्योंकि अब रावलपिंडी में नहीं खेले जाएंगे, अब मुल्तान में ये मैचेस खेले जाएंगे। 2008 के बाद अब इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जाएगी मुल्तान में, मतलब आफ्टर अ डेकेड खेली जाएगी मुल्तान में क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट। वैसे PSL तो हुई थी अभी 2020 में, लेकिन मैं बात करूँ इंटरनेशनल क्रिकेट की, इंटरनेशनल क्रिकेट टन ऑफ ईयर्स बाद होगी, मतलब 14 ईयर्स बाद अब इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जाएगी मुल्तान में पहली बार, वो भी थ्री मैचेस की ODI सीरीज़ खेली जाएगी अब मुल्तान में। रावलपिंडी में इसलिए नहीं खेली जा रही क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं वहाँ, PTI की लॉन्ग मार्च चल रही है, बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इसी वजह से रावलपिंडी में नहीं कराई जा रही, तभी मुल्तान में ये शिफ्ट कर दी गई है। और जो दूसरी क्रिकेट न्यूज़ है वो ये है कि जो T20 वर्ल्ड कप है, 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसके होस्ट भी अनाउंस कर दिए गए हैं। ICC ने अनाउंस कर दिया है उसके होस्ट, उनके जो होस्ट हैं इस बार दो होस्ट रखे गए हैं T20 वर्ल्ड कप के। नंबर वन तो USA है और फिर वेस्ट इंडीज़ है, मतलब USA पहली बार कोई क्रिकेट के कोई इवेंट होस्ट करेगा, क्रिकेट का कोई मैच होस्ट करेगा। अब USA ने तैयारियाँ भी शुरू कर दी हैं, प्रिपरेशन शुरू कर दी हैं कि उनका जो ऑकलैंड का जो एक उनका ऑकलैंड का एक स्टेडियम आप कह लें या ग्राउंड कह लें, वो पूरे बेसबॉल का ग्राउंड है, वो बेसबॉल का ग्राउंड है, उसको वो क्रिकेट के ग्राउंड में चेंज करेंगे। तकरीबन वहाँ पे 53,000 लोग वहाँ पे बैठकर मैच देख सकते हैं। अब USA में भी क्रिकेट खेली जाएगी, USA में क्रिकेट इतनी नहीं खेली जाती थी, मतलब बाहर से जो भी कंट्रीज़ के थे, जो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो प्लेयर्स थे, वो USA में जाकर पैसे के चक्कर में खेल रहे थे। अब वो अपनी स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड कर रहे हैं 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए, ताकि वो खेल सके। सबसे पहले तो क्वालिफायर्स होंगे, क्वालिफायर्स में अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं फिर वो सुपर 12 के राउंड में आएंगे USA की टीम, लेकिन होगा होस्ट ये USA में सबसे पहले, फिर वेस्ट इंडीज़ इसको होस्ट करेगा। इसलिए ऑकलैंड का जो ग्राउंड है वो तैयार करा जा रहा है, और उम्मीद तो यही जाहिर की जा रही है, उम्मीद तो यही है USA की तरफ से कि 2024 तक पूरा ये ग्राउंड जो भी है, ऑकलैंड का ग्राउंड और जो भी पूरा ग्राउंड स्टेडियम है, वो पूरा का पूरा तैयार, पूरा प्रिपेयर कर लिया जाएगा। और जो तीसरी क्रिकेट न्यूज़ है वो ये है कि संजय मंजरेकर जो इंडिया के कमेंटेटर हैं, इंडिया के मैचेस में कमेंटेटर करते हैं और बहुत अच्छे प्लेयर भी रह चुके हैं, इंडिया के इंडियन क्रिकेटर रह चुके हैं, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं, उन्होंने बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया, उन्होंने बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट रिलीज़ किया है KL राहुल के लिए। KL राहुल पे बहुत ज़्यादा उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने कहा है उनको, उन्होंने एक तरीके का मशवरा भी कह सकते हैं उनको कि आपको जब क्वार्टर फाइनल जब एलिमिनेटर वन था RCB के अगेंस्ट, तो आपको फास्ट खेलना चाहिए था, स्लो नहीं, आपको विकेट पर देर तक नहीं रहना था, आपको जल्दी खेलना था विकेट पर, मतलब फ़र्क ये था वो विकेट पर देर तक रह रहे थे और स्लो खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला चाहे आप जल्दी आउट हो जाते लेकिन आपको खेलना फास्ट चाहिए था ताकि आने वाले जो प्लेयर्स हैं उनके लिए और आसानी हो जाए, और वो स्लो खेले जा रहे थे जिस वजह से जो आने वाले प्लेयर्स हैं उन पर और प्रेशर डेवलप हो रहा था, उन पर खुद प्रेशर डेवलप हो रहा था, ऊपर से वो कैप्टन थे टीम के, कैप्टन लीड भी कर रहे थे अपनी टीम को, और साथ साथ बैटिंग का भी प्रेशर, साथ साथ इतने बड़े टारगेट का भी प्रेशर, तो वह संभाल नहीं पाए। तो संजय मंजरेकर ने उनको यही उनको मशवरा दिया है कि भाई आप फास्ट खेल लो चाहे, लेकिन आप स्लो नहीं खेलो, क्योंकि फास्ट खेलने से T20 क्रिकेट में अच्छा होता है अगर आप स्लो खेलते हैं, विकेट पे ज़्यादा देर तक रहते हैं, जैसे रजत पाटीदार ने खेला था फास्ट, बिल्कुल उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर कर ली थी, वो मतलब फास्ट खेल रहे थे, सिक्स मार रहे थे, फोर लगातार मारे जा रहे थे,
यही बात उन्होंने की है कि भाई अगर आप ऐसे खेलते, अगर आप लगातार 4 sixes मारते रहते, अच्छी पावर हिटिंग करते, ब्रूटल हिटिंग करते जैसे टिम डेविड करते हैं, डेविड मिलर करते हैं, ऐसे ही अगर आप करते तो फिर आप अच्छे से कामयाब हो सकते थे और लखनऊ सुपर जायंट्स सेमीफाइनल में राजस्थान के अगेंस्ट खेल सकती थी। ये थी वहाँ वीडियो, मतलब लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, रिलेटिव्स फ्रेंड्स और क्रिकेट शो के साथ जरूर शक दीजिएगा और सब्सक्राइब के बारे में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।